बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम है फयाज हुसैन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फयाज बुराक फूड्स। मैं बना रहा हूँ आज नाज़रीन कच्चे गोश्त की बिरयानी। अच्छा, कच्चे गोश्त की बिरयानी कैसे होती है, उसको कच्चा गोश्त क्यों कहते हैं? क्योंकि हम पकाते नहीं हैं इसको। पकाते कब हैं हम? जब इसको डालते हैं ऊपर चावल का दम लगा देते हैं, फिर इसने गलना होता है चावल के साथ। पहले इसको हमने नहीं गलाना होता। हाँ, पहले इसको मैरिनेट करना होता है, कम से कम 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे मैरिनेट होता है ना। अब जो मैरिनेट का इसका वो है ना तरीका, वो बहुत ज़रूरी देखना है आपने, क्योंकि मैरिनेट में ही गोश्त ने गलना है। बाद में जब हम अपना इसको दम पे लगाएंगे, उस वक्त गोश्त हमने नीचे कच्चा बिछाना है, ऊपर हमने चावल जो है ना लगाने हैं, तब इसको कहते हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी। अच्छा देखें, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है, गोश्त गोश्त इस तरीके से बोनलेस का आपने लेना है, हड्डी वाला नहीं लेना है। इस तरीके से छोटी छोटी बोटी आपने लेनी है, इस तरीके से। ये देखें, बिल्कुल छोटी छोटी एक ही साइज की मैंने बोटियां कर ली। ये बीफ का मेरे पास गोश्त है। अच्छा, गोश्त भी भैंस का नहीं लेना है, ज़्यादा सख्त गोश्त भी नहीं लेना है, फिर आपको गलाने में मुश्किल हो जाएगी, फिर गोश्त वैसे ही कच्चा रह जाएगा। ठीक है, ये गोश्त मैं ऐड कर दूंगा इस बाउल के अंदर। अच्छे तरीके से मैंने इनको इसको धो लिया था पहले, हाफ के जी।